विशाल तो आप देख सकते हैं कि विशाल जी ने हमको कॉल करके यहाँ पे बोला है, यहाँ पे कोई सांप देखा गया है, तो पहले देखते हैं सांप कौन सा है, उसके बाद आगे की जो है जानकारी मैं आपको देता हूँ। बर आता इथं दिसतंय का तुम्हाला पुढे? हे बघा इथं नाही आलं, मी तो उभा होतो, माझ्या समोर इथं गेलेलं, इथं गेलंय, त्याच्यानंतर कुठे गेला नाही? सरकून बिलकुल आणि इथं बोट नको जाऊ कॅमेरा कॅमेरा यांची तर शोधता नंतर जाणं काढ इथं मध्ये गेलेलं कसं दिसायला काय मोठा बारीक कसं मोठा आहे आपल्याला शेतात निष्ठेक मी बघितलं ना सत्ता तिकडे गेलोच नाही, तिकडे लक्ष देत तिकडे खाल्ल्यानं पण आहे का ते दाखव इकडे एवढं माती मध्ये घुसला एवढा मोठा गांड होतो खड्ड्याचे धामणे पिशवी आहे काहीतर खाल्ले ते एक काम कुठे गेले तो आपने देखा किस तरह से हमने फिर से जो है रेड स्नेक को रेस्क्यू किया है जिसको हम लोग धामन बोलते हैं और इसने कुछ खाया हुआ है। तो जब हम लोग यहाँ पर ढूंढने आए तो शायद आपको वीडियो में ऐसा लगेगा कि हम लोग पता नहीं कहाँ से ढूंढ रहे हैं और इसने कुछ खाया है इसलिए वो निकालने की इसको कोशिश कर रहा है बाहर, आप देख सकते हुए वो अभी काफ़ी घबरा गया है और ये एक घर के पास से इसको पकड़ा तो लोग यहाँ पर डरे हुए थे, लोगों को पता नहीं था ये कौन सा सांप है तो वो घबराहट की वजह से हमको यहाँ से उसको रेस्क्यू करना पड़ा और इसको जाते जाते हम लोग नेचर में छोड़ देंगे। तो आपको दिखा सकता हूँ ये तो घर है घर के पास में क्या नहीं करता होगा, तो ये घर के पास में जो है हमको दिखाई दिया है, तो ये घर के पास में यहाँ से हमने उसको यहाँ से ढूंढ के निकाला, ये जगह दिखाई हमको जरा यहाँ से उसको ढूंढ के निकाला है। ओके तो हम लोग क्या करेंगे इसको थोड़ा सा एक साइड में लेकर जाएंगे और साइड में लेकर जाके थोड़ा सा एक बार वापस से इनको बता देता हूँ क्योंकि हम लोग जो वीडियो में हर बार जो सांप का जिक्र करते हैं तो वीडियो में देखने वालों को लगता है कि हम लोग जो बात जो है कॉमन कर रहे हैं लेकिन जिस एरिया से हम लोग पकड़ते हैं तो अलग अलग एरिया से हम लोग पकड़ते हैं, अलग अलग लोग होते हैं और लोगों को इसके बारे में समझाना ज़रूरी है। अगर जब इनको मैं अभी इसके सांप के बारे में जब बताऊंगा तो अगली बार जब ये सांप को ये लोग पहचानेंगे तो ये लोग हमको बुलाएंगे नहीं, सर्प मित्र को बुलाने की जरूरत नहीं आपको क्योंकि धामन सांप कॉमन सांप है, ये उल्टा आपके पास यहाँ पे अगर घर के आसपास रहेगा तो इसमें डरने की बात नहीं है, उल्टा ये आपके आसपास की जो गंदगी खाता है, ये चूहे गिरगट मेंढक छिपकली ये खाने के लिए आसपास रहता है तो आपको घबराना नहीं है और सर्प मित्र को बुलाने की जरूरत भी नहीं क्योंकि ऑलरेडी अगर आपके घर के पास अगर कुछ ऐसी जगह है जैसे या आसपास ऐसा अगर जगह है पेड़ पौधे है
और आपने उसको पहचान लिया कि धामन सांप है तो उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो कहीं आपके घर के पास में अगर बैठा हुआ दिखता तो उसको लकड़ी से सिर्फ हिला दो, पुश कर दो, वो आपके आसपास भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं, क्योंकि इसके अंदर जहर नहीं है, बिल्कुल भी 1% जहर नहीं होता इसके अंदर। और ये बिना मतलब के भी किसी को काटता नहीं, और काट भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा जोर से काटा तो सिर्फ टीटी का इंजेक्शन लेना है। तो थोड़ा समय बाहर आने के बाद थोड़ा समझाता हूँ मैं, पॉज कर लगा कि किस तरह से हमने जो इसको रेस्क्यू किया है। ये रैट स्नेक है, पिछले वीडियो में भी आपको मैंने बताया था, रैट स्नेक मतलब धामन सांप, और इसका मनपसंद शिकार जो होता है वो चूहा होता है। और फिलहाल तो ये छोटा है, अभी ये बच्चा है। इसकी जो लंबाई है अपने एरिया में, मतलब हमारे यहाँ पे जितना भी है, इसकी लास्ट लंबाई जो है 9 फुट 7 इंच का, यानी 9.5 फुट का जो है मैंने पकड़ा था। और ये तकरीबन जो है आखिरी इसकी लंबाई जो नोट की गई है 12 फुट तक ये जाता है। तो इसकी वजह से इसकी जो लंबाई और इसका जो ये जो सब सांपों में इसकी जो लंबाई सबसे बड़ी होती है, जिसकी वजह से लोग डरते हैं इसको देखकर। और सब सांपों में जो है सबसे फुर्तीला सांप है, यानी अगर ये किसी को नज़र आता तो पलक झपकते ये गायब हो जाता है। काफ़ी तेज़ रफ्तार है इसकी, और ज़बरदस्ती अगर इसको कोई पकड़ने की कोशिश करेगा तभी ये काटता है, वैसा ये किसी को काटता नहीं, ये खुद इंसान से डरता है। और ये अगर आपके घर के आसपास कहीं भी दिखाई देता है तो आपको मैंने हर बार बताया कि सर्प मित्र को बुलाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको पहचानते हो तभी, जब आप उसको अच्छी तरह पहचान लेते हो कि 100% ये धामन सांप है, तो इसको सर्प मित्र को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपके घर से दूरी पर या आपके घर के बाहर कुछ अगर आपका लॉन है या पेड़ पौधे, अगर आपने कुछ ऐसा गार्डन टाइप कुछ बनाया है और वहाँ पे अगर आपको दिखाई देता है तो उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना वहाँ पे शिकार ढूंढता है, अपना पेड़ भरता है और छुप के रहता है, तो इससे नुकसान कुछ नहीं होता। बाई चांस आपके घर के जब अंदर आ जाएगा तब आप कोई भी सर्प मित्र को कॉल करो, हमको कॉल करो, हमको आने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। हम लोग आते हैं और इसको सही सलामत पकड़ के हम लोग नेचर में रेस्क्यू कर देते हैं। पॉज करिए, तो इसके बारे में कुछ और एक कुछ गलत फहमियाँ है, एक मिनट आवाज़ कम करो। तो इसके बारे में कुछ और बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं जो हर बार आपको मैं वीडियो में जिक्र करता हूँ। तो इसके बारे में गलत फहमी ऐसी कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये धामन सांप जो है पूंछ से मारता है सबको, ऐसा लोग बोलते हैं। तो पूंछ से कोई सांप मारता नहीं, सबसे पहले तो ये बता देता हूँ मैं। दूसरी बात, लोग बोलते हैं कि धामन सांप जो है, खासकर जो गाँव के लोग हैं, जो पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि धामन सांप भैंस के पैर को लपेट कर भैंस का दूध पी लेती है। तो सबसे पहले ये बता, तो ये सब बकवासबाजी है, ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई भी सांप दूध पीता नहीं है, हर बार आपको वीडियो में मैं जिक्र करता हूँ, चाहे वो नाग हो या कोई भी सांप हो, दुनिया में कोई ऐसा सांप नहीं जो दूध नहीं पीता, क्योंकि सांप के अंदर जो हड्डियाँ नहीं होती, जैसे पशु पक्षी इंसानों के जैसे अंदर हड्डियाँ होती है, इसके अंदर हड्डियाँ नहीं होती, इसकी वजह से ये कैल्शियम को हजम नहीं कर सकता। दूध के अंदर कैल्शियम होता है, तो ज़बरदस्ती अगर हम इसको अगर 2-4 दिन दूध पिलाएंगे तो वैसे ये दम तोड़ के मर जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ये स्तनधारी नहीं है, जो भी जीव जो स्तनधारी होता है वही दूध पीता है, ये स्तनधारी नहीं, तो दूध से इसका कोई लिंक नहीं है, दूध से इसका कोई लेना देना नहीं, सबसे पहले ये दिमाग में डाल के रख लो। दूसरी बात, इसकी पूंछ में कोई कांटा नहीं होता, ना इसमें कोई कांटा होता, ना कोई इसमें जहर होता। धामन सांप जो है सबसे कॉमन सांप है, ये आपके घरों के आसपास हमेशा रहता है, आज पकड़ा कल शायद फिर दिखे, परसों फिर दिखे, तो घबराने की जरूरत नहीं है किसी को भी, क्योंकि ये सांप जो है किसी का नुकसान नहीं करता। इसको आसान तरीका जो है सबसे पहचानने का, फिर से आपको एक बार दोहरा देता हूँ, क्योंकि हर जगह पर हम लोग जब इसको पकड़ने जाते हैं तो तरह तरह के, एक मिनट आवाज़ कमी करा, हर जगह पे हम जब पकड़ने जाते हैं तो अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग तरीके से हमको लोगों को समझाना पड़ता है ताकि इसको पहचान लो, क्योंकि एकदम कॉमन सांप है ये। तो ये आपके घर के आसपास जब भी रहेगा तो इसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, ना डरने की जरूरत है। तो आपको इसकी पहचान सबसे पहले बताता हूँ, इसके चेहरे की तरफ आपको देखना है, इसके चेहरे को आप देखो, इसका जो चेहरा है इसके चेहरे पर आपको लाइनिंग्स दिखाई देगी, ज़्यादा भी नज़दीक मत उठाएगा, इसके चेहरे के नीचे आपको लाइनिंग्स दिखाई देगी, गौर से इसके लाइनिंग्स देखो, ये ब्लैक कलर की, इसके छोटे छोटे बहुत सारे टाइगर की तरह लाइनिंग्स दिखाई देती है, ब्लैक कलर की, दोनों तरफ से आपको दिखाता हूँ। इसके चेहरे के पास देखो, ये धामन एक ऐसा सांप है जिसके चेहरे के पास आपको ब्लैक कलर की बहुत सारी लाइनिंग्स दिखाई दे रही है, गले उसके गर्दन के नीचे, उसके चेहरे के आसपास, आंखें इसकी बड़ी होती है, और एक बता देता हूँ, आंखें इसकी बड़ी होती है, इसका चेहरा छोटा और बॉडी बड़ी होती है। इसका चेहरा देखो, चेहरा और गर्दन देखो, ये थोड़ी सी पतली है और पीछे से ये मोटा होता है, तो ये इसकी पहचान है। और इसके शरीर पे बहुत सारे ब्लैक कलर के ऐसे छोटे छोटे आपको लाइनिंग्स दिखाई दे रही है। कैमरा सीधा रख, टेढ़ा मेढ़ा मत करिए, ये मांगे सर का, इसके चेहरे के ऊपर आप, इसके पूरे बॉडी के ऊपर आप देखो, ब्लैक कलर की लाइनिंग्स है, लाइनिंग्स वापस से देखा ठीक से, ये ब्लैक कलर की आपको देखो छोटे छोटे ऐसे लाइनिंग्स दिखाई देंगी। और इसके जो आखिरी की पूंछ है, इसकी पूंछ को देखना है, ये आखिरी में जब आपको पूंछ है, धामन साहब की जो पूंछ सबसे अलग है, ये एकदम जालीदार पूंछ है, एकदम ऐसे जाली की तरह आपको नजर आएगी देखो, तो ये इसकी पहचान है। इसका जो चेहरा एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ, उसके चेहरे को अच्छे से पहचान लो, आंखें बड़ी बड़ी, चेहरा छोटा, बॉडी बड़ी, और चेहरे के नीचे इसकी जो लाइनिंग्स होती है, इस लाइनिंग को देखना है आपने, डिग्री के लाइनिंग्स, चेहरे के आसपास जो ब्लैक कलर की लाइनिंग्स होती है, लाइनिंग्स को देखकर पहचाना है आपने।
तो बस हर बार आपको जो वीडियो में बताता हूँ मैं कि इसको पहचानना कैसे, क्योंकि एकदम कॉमन सांप है, हर जगह भी दिखाई देता है, आज पकड़ा शायद कल फिर निकले, परसों फिर निकले, तो इसको देखकर डरना नहीं। जब आप इसको पहचान लेते हो कि आपके घर के बाहर है तो सर मित्र को बुलाने की जरूरत नहीं है, इसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये बाई चांस आपके घर के पास में कहीं आपको दिखता है, जैसे आपके घर का अगर कोई खुला इलाका है और घर के पास में अगर बैठा है तो खाली इसको थोड़ा सा टच करके पुश कर दो तो ये निकल जाता है। क्या हो गया? चूहा। वो जाने दो, अभी चूहा तो सांप आएंगे ना भाई उधर। तो जब आपके घर के आसपास आपको दिखाई देता है और आपके घर के अगर कुछ अगर खाली जगह बनी हुई तो खाली इसको डंडे से उसको हिलाना है और पुश कर देना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर 1% भी जहर नहीं होता, हर बार बोलता हूँ। लेकिन हमारी वीडियो देखने के बाद किसी ने इसको पकड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना, यह ध्यान में रखना, क्योंकि ये अगर ये नॉन पॉइजनस है, इसके अंदर जहर नहीं है, लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से हैंडलिंग करेंगे तो काफ़ी ज़ोरदार तरीके से काटता है। इसके मुंह में बहुत सारे छोटे छोटे दांत होते हैं। अगर ये फुल साइज़ का पूरा टायर जब धामन साफ होता है तो इसके मुंह में कम से कम 60 से 80 दांत इसके मुंह में होते हैं, जो काफ़ी एक आवाज़ कमी करा देना। इसके मुंह में छोटे छोटे दांत होते हैं तो जो काफ़ी तेज़ होते हैं और काफ़ी 1 सेकंड के अंदर ये 2 बार 3 बार बाइट ले सकता है आपको, इतनी स्पीड में ये काटता है। तो लेकिन काटने से नुकसान होता नहीं है, आदमी की मौत होती नहीं है। अगर ज़्यादा ज़ोर से काटता है तो खाली हाथ को धो लो और एक टीटी का आपको इंजेक्शन लेना, ये ध्यान में रखना। तो खाली ये काम जो है सिर्फ मित्र का है, जो स्नेक कैचर है प्रोफेशनल, ये काम उनका है। तो इसको देखकर किसी ने भी सांप को पकड़ने की कोशिश नहीं करना, ये खाली आपको जानकारी दी है ताकि लोगों के मन में सांप को लेकर डर ना हो और डर की वजह से आपको कोई हादसा ना हो। क्योंकि क्या होता है, अगर आपको अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है और आपने इसको पकड़ने की कोशिश की और उसने आपको काट लिया तो आपके अटैक से मौत हो सकती है डर की वजह से, क्योंकि सांप के नाम से काफ़ी डर है। इसकी वजह से अगर आपने इसको पहचान लिया तो डरने की जरूरत नहीं है। और अगर वो पॉइजनस सांप अगर आपने देख लिया, उसको पहचान लिया, तो खाली नज़र बना के रखो, कोई भी स्नेक कैचर है 10 से 15 मिनट में आपके पास आएगा और इसको पकड़ के नेचर में छोड़ देगा। तो एक बार फिर से आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। तो धामन सांप जो है रेड स्नेक जिसको बोलते हैं, और कुछ स्टेट में इसको घोड़ा पछाड़ के नाम से जाना जाता है, तो ये ध्यान में रखो। वापस आपको दिखा देता हूँ, उसकी गर्दन को देखो, इसकी गर्दन के नीचे आपको लाइनिंग्स दिखाई देंगे, ये लाइनिंग सिर्फ धामन सांप को दिखाई देती है, ऐसे बाकी सांपों को दिखाई नहीं देती। चेहरे के नीचे, चेहरे के आसपास आंखें बड़ी बड़ी, उसके बाद इसका जो है, इसकी जो गर्दन छोटी होती है, गर्दन पतली होती है, बॉडी इसकी बड़ी होती है पीछे से, ये ध्यान में रखना है। पूरे शरीर पर ब्लैक कलर की लाइनिंग्स होती है, ये लाइनिंग्स को देखो, ये पूरे शरीर पर इसके ब्लैक 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 कलर की लाइनिंग्स है। और आखिरी में जो इसकी पूंछ होती है, जालीदार पूंछ होती है, इसकी पूंछ को पहचान लेना है। अगर आपको गर्दन नहीं दिखती तो इसकी पूंछ को पहचानना है, पूंछ नहीं दिखती तो उसकी गर्दन को पहचानना है। जब आपने पहचान लिया तो सिर्फ डरना नहीं है, नज़र बना के रखना है। नज़र बनाने से क्या होता है कि हमको सांप आसानी से मिल जाता है, और आसानी से मिलने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, वापस इसको नेचर में छोड़ देते हैं। तो मुझे जिन्होंने कॉल किया था, मैं एक बार उनको यहाँ पे बुलाता हूँ कि किन्होंने मुझे कॉल किया था। आपका नाम क्या सर? विशाल। विशाल, तो ये विशाल जी ने हमको कॉल किया था। और सर आपका नाम क्या? अनिल। इधर आइए। तो ये अनिल जी हैं, तो इन्होंने भी हमको कॉल किया था और इन्होंने 15-20 मिनट से उसके ऊपर नज़र बना के रखी थी। और वो नज़र बनाने का फ़ायदा ये होगा कि हमको आसानी से मिल गया, नहीं तो क्या होता, कभी कभी सांप अगर मिलता नहीं है और लोगों ने अगर उसको पहचाना नहीं है और जब हम उसको ढूंढने जाते हैं तो क्या होता, लोगों का डर जो है बना रहता है। जब हम इनके सामने से पकड़ कर लेकर जाते हैं तो उसके बाद जो इंसान है वो राहत की सांस लेता है, नहीं तो इंसान को डर बना रहता है और उसको कम से कम महीना भर उसको चैन की नींद नहीं आती, क्योंकि उसके मन में डर होता है कि वहाँ पे सांप था और हम लोग वहाँ पे पकड़ने के तो सांप मिला नहीं। इसकी वजह से हम लोग बार बार बोलते हैं कि नज़र बना के रखो और उसको छेड़ना नहीं है, उसको टच नहीं करना। हम लोग आएंगे इसको पकड़ के नेचर में छोड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरी जानकारी आपको पसंद आए। और मेरा जो चैनल है, फिर से आपको लोगों को बता देता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा सर्प मित्र, ऐसा आपको डालना है, दीपक शर्मा स्नेक कैचर, दीपक शर्मा स्नेक फ्रेंड, ऐसा आप डालेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें 350 वीडियो है। हर सांप की जानकारी है, जहरीले सांप की जानकारी है, बिना जहर वाले सांप की जानी है, इंडिया में कितने सांप है, हर की मैं जानकारी देता हूँ ताकि इंसान का जो है जो डर खत्म हो। तो हमारा यही प्रयास है और ये हमारी मुहिम है, बस इसी तरह आप लोग हमारा साथ दो, और जिसकी वजह से क्या होगा कि इंसान का डर भी दूर हो जाएगा और जो एक बेजुबान जानवर है उसकी भी जान बच जाती है। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे हम कोई सांप की जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय पुणे, जय भारत।